जितनी भी खबरें हैं आज के दिन में बिहार में शिक्षक बहाली संबंधित उन तमाम खबरों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, अखबार की कोई भी खबर छूटेगी नहीं। अतिथि शिक्षक की बहाली के बारे में ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल के बॉटम पर अगर आप देखें तो जिलावार सीट दिया हुआ है, किस जिले के अंदर कितनी सीटें हैं इसकी डिटेल दी हुई है। अतिथि शिक्षक की बहाली अभी निकली हुई है, लोग उसके लिए आवेदन दे रहे हैं, उसके बारे में शायद आप अवेयर भी होंगे। ये देखिए, पटना में केवल 51 सीटें हैं अतिथि शिक्षक के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ट्राई करके, मतलब अभी बीपीएससी का क्वेश्चन बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, लोग क्या पूछेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ पूछ दें, तो अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए आप इसके में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बेहतर यही है कि आपका बीपीएससी टीआरई में हो जाए, वही जॉब बेहतर है। अगली खबर का रुख करते हैं, प्रारंभिक शिक्षकों का होगा अंतर जिला तबादला, 31 तक स्थानांतरण नहीं हो तो स्वतः समाप्त हो जाएगा खाली पद। देखिए, अब ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और शिक्षकों की बहाली से भी जुड़ा हुआ है। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है काफ़ी पुराना है, लेकिन हर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों कराते हैं लोग अपनी मनचाही जगह पे, ये शहरी इलाकों की सीट के लिए। अगर ये चीज़ शुरू हो गई टीआरई की वैकेंसी भरने से पहले तो फिर तो काफ़ी सारी जो ढंग की जगह है वो तो ऑक्यूपाई हो जाएगी, क्योंकि करप्शन तो लाख के पाठक सचिवालय में बैठे कुछ भी कहें, पर ग्राउंड पर जो करप्शन है वो तो हर कोई पैसा दे के मैनेज कर ही लेता है। तो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मामला है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और बहाली से जुड़ा हुआ ही, इसको भी समझिए। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर खबर, विजय कुमार चौधरी जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने कुछ बयान दिया है कि विपक्ष कई तरह की बातें करके बहका रहा है शिक्षकों को। अभी आप लोगों को पता होगा कल फिर से कुछ शिक्षक संघों ने केस फाइल किया है, तो केस पर केस का सिलसिला जो है वो जारी है। आपके स्क्रीन पर अगली खबर देखिए, डोमिसाइल खत्म करने के विरोध में जाप का प्रदर्शन, ये पार्टी तो और बहुत लेट हो गई, इनको तो पहले से करना चाहिए था, अब तो जब मामला ठंडा पड़ रहा है तब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही तमाम खबरें हैं जिनमें से कुछ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खबर है, कुछ धरना प्रदर्शन और विपक्ष की जो अटेम्प्ट है धरना प्रदर्शन करने की उसके बारे में खबर, कुछ खबर है जो अतिथि शिक्षक को लेकर के, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। यही तमाम खबरें हैं आज के दिन में जिनको शिक्षक बहाली से जोड़ा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, आगे कोई भी खबर आती है तो मैं आप तक जल्दी जल्दी पहुँचाऊँगा। थैंक यू।